और आज का जो सफ़र बताऊँ तो 40 किलोमीटर से ऊपर 45 किलोमीटर लगभग दूर मैं अपने घर से हूँ। पूरी बन चुकी है दोस्तों, फूल भी थी बढ़िया। हाँ, मजा आ गया भाई। वो सामने दोस्तों हिमालय का व्यू दिख रहा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं निकल चुका हूँ घर से, हो चुकी है एक नई वीडियो की शुरुआत और अभी दिन के बज रहे हैं 1। और इतने दिन में मैं इसीलिए निकल रहा हूँ क्योंकि आज जा रहा हूँ मैं बहुत ही ख़ास लोकेशन पे, और तकरीबन मेरे घर से वो लोकेशन है 40 किलोमीटर दूर, तो जाने में टाइम लगेगा और मैं हूँ आज सोलो, तो मेरे साथ राहुल भाई नहीं है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बाइक और निकलते हैं। फिर थोड़ा सा गाड़ी साफ कर लेते हैं धूल बैठ गई क्योंकि। तो दोस्तों ऐसा कुछ मैंने बैग को बात दिया है क्योंकि बहुत ही हिला था और बहुत लंबा जाना है, तो कमर दर्द भी हो जाएगी, पीठ दर्द हो जाएगी, तो निकलते हैं सीधा अब। दिन के 1:30 बज चुके हैं और ऐसा ठंडा लग रहा ना अभी भी, बिल्कुल हाथ ऐसे ठंडे हो गए मेरे। ये क्या है? तो दोस्तों यह है विश्व प्रसिद्ध डोल मंदिर और जो लमगड़ा में स्थित है। ये वीडियो जहाँ तक आप पहुँच रही, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ आए हैं इससे पहले। दोस्तों मेरे के लिए रुका हूँ मैं यहाँ पर, और नीचे की प्यारा दृश्य दिख रहा, देखो सामने ना वो सामने देवदार के पेड़ दिख रहे हैं भाई, और सामने दिख रहे हैं घर, और नीचे है शहर फाटक, और शहर फाटक बाजार है। तो गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5:30, अंधेरा भी होने वाला है, और भाई लोकेशन देख रहे हो क्या, यहाँ से पूरा हिमालय का व्यू दिख रहा है, दिखाओ एक बार। तो है ना सामने देखो, पीक देखो है, थोड़ी देर पहले एकदम मस्त लग रहे थे ना। खैर होने जा रहा अंधेरा दोस्तों, अंधेरा होने से पहले कर लेते टेंट पिच। खतरनाक चल रही दोस्तों। तो दोस्तों मैंने तो पहन लिया ये क्योंकि यहाँ ये है टॉप की जगह और पूरा मैदान है,
और यहाँ पे चलने लगी है हवा, तो फटाफट से हम लोग लकड़ी की व्यवस्था कर लेते हैं, कैंप फायर की भी काम आएगी और सब्जी पकाने की भी काम आएगी। तो दोस्तों इतनी लकड़ी की व्यवस्था तो कर दी है, काम तो चल जाएगा और अब रखते हैं सामान अंदर। तो दोस्तों अच्छे से अंधेरा हो चुका है अभी और चारों तरफ अंधेरा छा गया है, और आज का जो सफ़र बताऊँ तो 40 किलोमीटर से ऊपर 45 किलोमीटर लगभग दूर मैं अपने घर से हूँ। तो दोस्तों पूरी तरह अंधेरा हो गया है और शाम की शुरुआत करते हैं एक कॉफ़ी से। तो दोस्तों सरफेस ना जरा अनइवन है, तो ना यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं कैमरा सेटअप करने में। डालेंगे कॉफी, और इसको ना बढ़िया करके घोट लेते हैं। तो इस कॉफी के साथ ना भाई नमकीन है, नमकीन डालेंगे हम बाउल में। और कूड़ा ना कहीं नहीं फेंकना है, कूड़ा साइड में रख देना है और कल सुबह पॉली बैग में डाल के घर ले जाना है। शुरू करें फिर। ठंडा इतना है ना कॉफ़ी, एकदम ठंडी हो रही है, तो ठंडा होने से पहले पी लेते हैं कॉफ़ी। तो दोस्तों कॉफ़ी पी के थोड़ी देर बैठा था बढ़िया, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो फटाफट से बना लेते हैं सब्जी देर न करते हुए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ही डाउन जा रहा है। तो दोस्तों प्याज हमारा कट चुका है, प्याज को बाउल में रख लेते हैं। और आलू छील लेते हैं यार भाई, तो आज बनी क्या आलू की सब्जी। यहाँ पे ना पनीर वगैरह अवेलेबल भी नहीं था, यहाँ तो पनीर ढूंढ रहा था पहले मैं,
पनीर मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा आज आलू ही खाते हैं। दोस्तों टमाटर की बारी, अब टमाटर काट लेते हैं हाथों हाथ। तो भाई हल्का फुल्का चूल्हा भी सेटअप कर दिया है, लकड़ियाँ भी पर्याप्त है मेरे हिसाब से, हो जाएगा। तो अब जरा डालते हैं इसमें इराक का तेल, बिना इसके कुछ नहीं हो रहा आजकल, और लगाते हैं माचिस। बड़ी आग जल चुकी है, इसमें एक मोटी लकड़ी डाल देता हूँ ताकि जल जाए अच्छे से। ऐसी मोटी लकड़ी डाल देता हूँ ताकि ये जल जाए, और एक मोटी लकड़ी और डाल देता हूँ इसमें, ऐसी वाली रख देते हैं ये। दोस्तों कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, अभी गर्म हो चुकी है, धान डाल दें इसमें। वाह बढ़िया खा रहा है। मिर्ची डाल लेंगे हल्की, धनिया पाउडर, हरी हल्दी डालूंगा, नमक, आखिर में डाल देंगे चिकन मसाला, लास्ट में डाल देंगे पानी। तो भाई बातों में ना टमाटर भी पक चुके हैं, अब इसमें डाल दिए मैंने मसाले, थोड़ा सा पकने देता हूँ मैं। चुके हैं और अब बारी है अपने आलू पीस में। ताई पानी डालते हैं और ढक्कन लगा देते हैं इसमें। तो भाई ठंडा भी बहुत हो रहा है, आपके पास आके ना जरा बढ़िया लग रहा। और ये देखो दोस्तों चंद्रमा ना, फोकस हो रहा ना, चंद्रमा पूरा निकल चुका है और यहाँ पे हल्के हल्के बादल भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ना जब तक सब्जी बन रही तब तक का गूंथ लेते हैं आटा। आटा गूंथने के लिए कुछ है नहीं तो उसी में गूंथेंगे। अब तो भाई सब्जी हमारी पूरी पक चुकी है और ये देखो बढ़िया ग्रेवी भी बन के आ चुकी है, तरी बिल्कुल सूख चुकी है इसकी, रखते हैं इसको साइड में। अब बारी है रोटी बनाने की, तवा चढ़ा देते हैं इसमें। और भाई ना
गरम, तब तक अब बना लेते हैं दोई। दोस्तों ना इसके चक्कर में मेरे कान बचे हैं, कान ऐसे हो जाते हैं ना ठंडे। तो दोस्तों सरफेस में थोड़ा अनइवन है, ये थोड़ा प्यार से बेलना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई बढ़िया रोटी फूल ली यहाँ पे। तो रोटी तो हमारी पूरी बन चुकी है दोस्तों, फूल भी थी बढ़िया। ओके तो दोस्तों सब्जी बन गई हमारी, गरम गरम खाते हैं इसको। तो भाई ठंडा बहुत लग रहा है और फटाफट से खा लेते हैं इसको, क्योंकि सब्जी भी ठंडी हो जाएगी फिर। हाँ 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 मजा आ गया भाई। ओके तो दोस्तों खाना वगैरह खा लिया है और अभी ना बिल्कुल नाक बंद हो गई, इसने ना बहुत साथ दिया है मेरा, कान ठंडे से बचे हैं। और दोस्तों अब बारी है सोने की, खाना भी खा लिया, आज भी थोड़ा जल्दी है और आज का दिन कुछ ऐसा रहा दोस्तों। 40 किलोमीटर दूर आया हूँ मैं और शाम को बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे क्रिकेट, तो उनसे तो उन्होंने ही मुझे बातों बातों में बताया कि यहाँ पे बाघ आजकल आता है जहाँ पे मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, और ये बाघ का अड्डा भी है यहाँ, शाम को दिखता भी है ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब भगवान जाने आज आता है नहीं आता, मैं तो चाहूँगा कि नहीं आए और मैं मेरी कैंपिंग अच्छे से हो जाए। तो भाई तबीयत ना सही नहीं हो रखी यार, बहुत दिन हो गए तबीयत खराब हुए। और खांसी है कि ना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों सोते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नए दिन में। अभी ना सुबह के 6:30 हो रखे हैं और सामने दिख रहा है पूरा हिमालय। कैमरे से जस्टिस नहीं होगा मगर अभी सूरज भी निकल रहा है और जो केसरिया कलर, भगवा कलर जो उसका है ना सूरज का, वो इन बर्फ की पहाड़ियों पर पड़ रहा था। बर्फ की पहाड़ियाँ बिल्कुल एकदम केसरिया जैसी हो रखी है, भगवा क्या ही लग रहा भाई यहाँ से अल्टीमेट। तो भाई सुबह को हो चुका है 8:30 और सूरज देवता पूरा निकल चुके हैं। देखो क्या मस्त जगह है यार, पूरा 360 व्यू आता है, सामने गांव है और ये देखो यहाँ पे लगा था हमने टेंट, सामने नोटिस हो रहा पीक, इन्हें बिल्कुल सामने दिख रहा, देखो हिमालय उसकी चोटी पे बर्फ पड़ी है। मोबाइल में फोकस हो रहा, नोटिस हो रहा नहीं पता, मगर भाई सामने तो बिल्कुल अल्टीमेट नज़ारे दिख रहे हैं इसके यार, दिल खुश हो गया। ओके दोस्तों, समय हो चुका कॉफ़ी का, उबना बहुत तगड़े लगने लगती है। सूरज भी एकदम सर पे चढ़ चुका है, धूप बहुत तगड़े लगने लगती है। चीनी डाल लेते हैं फिर दोस्तों, दोस्तों दूध भी हमारा गर्म हो चुका है, डाल लेते हैं इसमें कॉफ़ी। हवा भी चल रही है ना, कॉफ़ी भी उठ गई नीचे। उबल चुका है हमारा दूध, जय। वो सामने ना दोस्तों हिमालय का व्यू दिख रहा, इस तरफ से भी बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई चोटियां दिख रही हैं। आई होप कैमरे में नोटिस हो पा रहा होगा, दिखाया मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है, आई होप नोटिस हो रहा हो, मगर ना आंखों से तो बहुत सही दिख रहा। और अभी दिसंबर या जनवरी के समय पे अगर बर्फ पड़ेगी ना बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे पहाड़। ओके दोस्तों, तो सामान हमने समेट लिया है, अब बारी है घर को जाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसमें इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं जल्दी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक का टेक केयर एंड बाय बाय।